नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। यूपी में राज्य सरकार का फैसला, सरकारी खजाना भरने के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब एक लीटर पेट्रोल की कीमत 73.80 रुपए हो गई है जबकि डीजल का दाम 65.40 रुपए हो गया है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सरकार ने वैट की कीमत तय कर दी थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। बढ़े हुए दाम बीती रात 12 बजे से लागू हो गए हैं। यूपी सरकार ने पेट्रोल पर 28.80% वैट और डीजल पर 17.48% वैट लगा दिए गए हैं। 25 दिन बाद हुआ येदुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार। 17 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। जुलाई महीने में कर्नाटक में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 25 दिनों के बाद आज येदुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। सुबह राजधानी बेंगलुरु में येदुरप्पा मंत्रिमंडल के 17 विधायकों ने शपथ ली है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री येदुरप्पा के लिए कुर्सी पाने से सबसे ज्यादा कठिन कार्य मंत्रिपरिषद का चयन करना रहा है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए 17 विधायकों के नाम राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल बजू भाई वाला ने आज राजभवन के मौजूदा ग्लास हाउस में नई मंत्रियों को शपथ दिलाई। अयोध्या केस, रामलला के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश किए सबूत। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है। सोमवार को इस मसले की सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज मंगलवार को मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। 6 अगस्त से इस मामले को सर्वोच्च अदालत में रोजाना यानी कि हफ्ते में 5 दिन सुना जा रहा है। सोमवार को जस्टिस बोगड़े अदालत में अनुपस्थित रहे थे, इसी बीच मामला नहीं सुना गया था। आज रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन एक बार फिर से अदालत में अपनी दलील पेश कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह में स्थापित हुआ चंद्रयान 2 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 2 को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला ऑर्बिट है जो कि चांद की कक्षा में उतरेगा, दूसरा लैंडर जिसका नाम विक्रम है यह चांद की सतह पर उतरेगा और तीसरा हिस्सा प्रज्ञान जो कि रोवर है वो चांद की सतह पर घूमेगा। भारत के अंतरिक्ष ने एक बार फिर से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। चंद्रयान 2 आज चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। इसरो की जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आज करीबन 9:30 बजे चंद्रयान ने चंद्रमा के लॉन्चर ऑर्बिट में प्रवेश किया है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर 7 सितंबर को उतरेगा। भारत से फरार जाकिर नाइक के खिलाफ मलेशिया में बड़ी कार्रवाई, अब नहीं दे सकेगा उपदेश। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर आरोप है कि उसने मलेशिया में हिंदुओं और चीन के लोगों पर नस्ली टिप्पणी की है, जिसके बाद से मलेशिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग उठी है। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ मलेशिया प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तकरीर देने से रोक लगा दी गई है। मलेशिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई के दावे भी पेश किए गए हैं। पीएम मोदी इमरान खान से फोन पर बातचीत करने के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर कहा स्थिति गंभीर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से कश्मीर मसले के क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। ट्रंप ने ट्वीट कर कश्मीर की स्थिति को गंभीर बताया है। ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी बातचीत की थी और उन्हें भारत के खिलाफ संभल कर बयानबाजी करने को कहा था। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि अपने दो अच्छे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से व्यापार, राजनीति, साझेदारी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान के कश्मीर के तनाव कम करने को लेकर के बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि गंभीर स्थिति लेकिन अच्छी बातचीत है। हीर रांझा से उमराव जान तक, 92 साल की उम्र में खामोश हो गई सबसे प्यारी धुन। दिग्गज संगीतकार मोहम्मद जहूर ख्याम हाशमी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। सोमवार शाम से उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। SBI ने रखा डेबिट कार्ड को खत्म करने का लक्ष्य, डिजिटल पेमेंट को देगा बढ़ावा। बाजार से कैशलेस लेनदेन को खत्म करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक एक बहुत बड़ी कदम उठाने जा रहा है। बैंक की योजना अगर सफल होती है तो जल्द ही प्लास्टिक डेबिट कार्ड अतीत का हिस्सा बनकर के रह जाएगा। देश का सबसे बड़ा बैंक इसकी जगह पर अधिक डिजिटल भुगतान करने वाली प्रणाली की दिशा में काम कर रहा है। इस बात की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने दी है। MP के CM कमलनाथ का भांजा रतुल पुरी को ED ने किया गिरफ्तार, बैंक घोटाले का आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर आखिरी शिकंजा कसा गया है। बैंक घोटाले से जुड़े मामले में सोमवार रात ED ने रतुल पुरी को गिरफ्तार किया है। रतुल पुरी के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की गई थी। हाल ही में CBI के खिलाफ 354 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में FIR दर्ज की गई थी। CBI ने यह FIR धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के धाराओं पे यह दर्ज की थी। राजीव गांधी की 75वीं जयंती, सोनिया राहुल समेत बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी कांग्रेस। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती है। इस मौके पर मंगलवार सुबह स्वर्गीय राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की और दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है।